हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर स्मार्ट टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप एक ही बैंक में एफडी के अगेंस्ट कितने क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। क्या आपने अगर एक ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो आप दूसरा क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में जानेंगे। हमारे कुछ वीडियो पर कमेंट आ रखे थे कि भाई हमें ये बताओ कि हम एक ही बैंक में एफडी के अगेंस्ट कितने क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो आपके मन में भी ऐसा कुछ डाउट है तो ये डाउट आपका क्लियर होने वाला है। आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो, ऐसा वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हैं और दूसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो एफडी के गेस्ट तो वीडियो को पूरा देखना। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। और भी मैंने वीडियो बना रखे हैं क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड, वो भी देख सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो एफडी के अगेंस्ट हो या फिर बिना एफडी के हो, आपने चाहे कैसे भी लिया हो, तो क्या आप दूसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं? तो इसमें भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि यहाँ पे क्लियर होने ज़रूरी हैं। तो बैंक पे भी डिपेंड है कि वो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देगा या नहीं देगा, और साथ ही में ये भी है कि उस बैंक ने कौन कौन से क्रेडिट कार्ड जो कि एफडी के अगेंस्ट देने के लिए यहाँ पे दिखा रखे हैं। जैसे कई बैंक ने 2-3 क्रेडिट कार्ड अपने लॉन्च कर रखे हैं जो कि हम एफडी के अगेंस्ट ले सकते हैं। किसी किसी बैंक ने एक ही क्रेडिट कार्ड दिखा रखा है जो कि एफडी के अगेंस्ट ले सकते हैं। बाकी हर बैंक ने 2-3 क्रेडिट कार्ड या फिर 4-5 क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च कर रखे हैं, बट एफडी के अगेंस्ट आप एक या दो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। जो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, वो तो अलग अलग बैंक पे डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ। अगर आपने किसी भी बैंक में एफडी के अगेंस्ट कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो अगर आप दूसरा क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो उसके लिए यही प्रोसेस है। जैसे मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है। अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, वहाँ पे आप एफडी करते टाइम क्रेडिट कार्ड के लिए टिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन होते हैं कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है। अगर आपका बैंक एक ही क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराता है जो आपने ऑलरेडी ले रखा है, तो आप दूसरा क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड आपके पास ऑलरेडी है। अगर आप दूसरा अप्लाई करोगे तो वही क्रेडिट कार्ड आपको शो करेगा, तो आपको वो क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके बैंक में 2-3 क्रेडिट कार्ड है, जैसे मेरे पास आईसीआईसीआई का है, तो इसमें इंस्टा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड भी है, दूसरा कोरल क्रेडिट कार्ड है जो हम एफडी के अगेंस्ट ले सकते हैं। बाकी तो आईसीआईसीआई के बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, बट एफडी के अगेंस्ट हम दो ही क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो है इंस्टा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड जो कि बिल्कुल फ्री होता है, ना तो एनुअल फीस लगता है ना ज्वाइनिंग फीस लगता है, और दूसरा है कोरल क्रेडिट कार्ड जिसकी एनुअल फीस लगता है 500 रुपये, जो कि आप यहाँ पे टाइम एंड कंडीशन में देख सकते हो। जब आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपको शो कर देगा। तो अगर आपने इंस्टा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो फिर से अगर एफडी करके वही क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो आपको डेफिनेटली वो क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। और अगर आप एफडी करके कोरल क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो आपको श्योर वो क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड आपके पास है नहीं। ऐसे ही अगर आपने एसबीआई में कर रखा है, फिर एक्सिस बैंक में कर रखा है, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपने जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रखा है एफडी के अगेंस्ट और वही क्रेडिट कार्ड आप एफडी के अगेंस्ट लेना चाहते हो, तो आप वो क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते। अगर कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड उसी बैंक में अप्लाई करते हो एफडी के अगेंस्ट, तो 100% आप वो क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। बाकी बैंक पर डिपेंड रहता है कि वो क्रेडिट कार्ड आपको दे या ना दे। साथ ही में आपको ये भी देख लेना है कि कितने रुपए के एफडी के ऊपर वो क्रेडिट कार्ड मिलता है, क्योंकि अलग अलग क्रेडिट कार्ड पे अलग अलग एफडी की लिमिट होती है। जैसे कि किसी क्रेडिट कार्ड में हम 10,000 की एफडी पे भी वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और कोई क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जिसमें हम 20,000 या 30,000 रुपये की एफडी करते हैं तभी हम वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर सारा टाइम एंड कंडीशन देख लेना है, फिर आपको अप्लाई करना है, तो 100% आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और भी अगर आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। साथ ही में आप चैनल पर विजिट कर सकते हो प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में मैंने आप पे आईसीआईसीआई बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिलेटेड सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हो। सो गाइज, उम्मीद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कमेंट आ रखे थे तो मैंने सोचा आपको वीडियो बना के बताया जाए ताकि सबको ही पता चले। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, इस रिलेटेड कोई वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं है, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बताया जाए। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करना। फिर भी कोई क्वेश्चन हो या फिर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आप भी चाहते हो कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को बैंक में ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, तो मैंने प्रॉपर वीडियो बना के बताया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। उनकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अभी तक आपने मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।